नमस्कार, आप देख रहे हैं और वोज न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता रतन कुमार की खबर कटिहार बिहार से। कटिहार सदर अस्पताल की लच और व्यवस्था पर पुलिस बेबस होकर चक्कर काटती नजर आई। बिहार के कटिहार में बलात्कार के बाद बलात्कार की जांच पर पीड़िता के साथ पुलिस भी अस्पताल में दो दिनों से दिन रात लगा रही है चक्कर। सदर अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि ड्यूटी के दौरान फुर्सत नहीं है, जांच के लिए लगातार चिन्हित चिकित्सक की लगी हुई थी ड्यूटी। लगातार ड्यूटी से चिकित्सक अस्पताल से है फरार बलात्कार पीड़िता के मामले में चिन्हित चिकित्सक पर होगी कार्रवाई, तथा पीड़िता के साथ आए पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि रोज आता था अस्पताल बलात्कार के मामले में, पीड़िता की जांच की खातिर अस्पताल से ये कहकर लौटा दिया जाता था कि कल आइएगा। अब चिकित्सा पीड़िता के बलात्कार के 48 घंटे पश्चात हो रही है जांच। जी हां, पीड़िता के साथ अस्पताल आए परिजन ने भी कहा कि 13 जनवरी को बलात्कार गांव का छोटू नाम का लड़का किया था, जिसके बाद 14 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कर छोटू को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा है जेल। 15 जनवरी से पीड़िता और पुलिस के साथ अस्पताल में एक कमरे से दूसरे कमरे तक दिन रात लगा रहे हैं चक्कर। बिहार की व्यवस्था और पुलिस लगातार सवालों के घेरे में खड़े देखे जाते हैं, लेकिन जो कटिहार में देखा गया वो लचर व्यवस्था पर पुलिस बेबस होकर चक्कर काटती नजर आ रही है। ऐसे व्यवस्था पर निश्चित एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, और वहीं पीड़िता को न्याय की भी। लेट ऑफ करके भर्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना काम हम मैनेज करा दिए थे, वो ऑपरेशन कर रही थी, बोली कि हम ऑपरेशन के बाद हम इनका काम कर देंगे, लेकिन काम नहीं हुआ। हमको 3:30 बजे फोन आती है कि काम नहीं हुआ, बोले कि जिस समय लेडी डॉक्टर थी यहाँ पर नहीं कर रही थी, उसी समय फोन करते तो हम काम देख लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 3:30 बजे से फिर कहा गया, तो जो जिनकी ड्यूटी थी वो भी छुट्टी में है, तो अब अरेंज किया गया है, तो अभी शाम तक में जाके अरेंज हुआ है। तो डॉक्टर लापरवाही हुई है, हाँ, जो जिनकी ड्यूटी थी, एक्चुअली ड्यूटी रोस्टर में ही कुछ गड़बड़ी है कि एक ही ड्यूटी का कई बार शिफ्ट पड़ गया है, हाँ, उसके मुताबिक वो डॉक्टर आ नहीं रही है। सर, ये गड़बड़ी किन की है? नहीं, वो मतलब कि बिना छुट्टी की गायब होगी, हम लोग उम्मीद कर रहे थे आज आना था उनको, कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई होगी। मामला यही था कि कल से आए हुए हम लोग का बात नहीं सुन रहा था। कहाँ आए हुए थे? यहाँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? सदर हॉस्पिटल। सदर अस्पताल कटिहार आए हुए जी। क्यों आए हुए थे? वो लेके आए थे पेशेंट को, तो नहीं सुन रहा था, तो हम अंकल जी को फोन किया, अंकल जी बोला कि हम भेजते हैं आदमी। जैसा पता चला है कि रेप का मामला? जी, रेप का मामला था। कौन है वो आपका? वो हम लोग का गांव का है, ऐसे रिश्ता में फुआ लगता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? काड़ी खातून। अच्छा अच्छा, कब की घटना है ये? 13 तारीख को, यानी कि 2 दिनों के बाद मेडिकल हो रहा है आज। जी, मतलब हम रिपोर्ट वहाँ पर 14 तारीख को मतलब सेमापुर थाना अध्यक्ष में दिए गए थे, और आज मेडिकल हो रहा है, तो हम लोग आए हैं 15 तारीख को यहाँ पर। 15 तारीख से 15 को नहीं हुआ? नहीं, आज हो रहा है। आज हो रहा है, अभी 48 घंटे के बाद हो रहा है। जी, तो क्या आते थे तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर तो भेटे नहीं होता था ना, डॉक्टर मिल ही नहीं रहा, बोल रहा है 7 नंबर में बैठेगा, 7 नंबर में कम से कम 5-6 मरतब गए। जो इस तरह का घटना किया, कहाँ कराने वाला? वो भी गाँव का है लड़का। कहाँ, गाँव का नाम क्या है? प्रतापगंज है। प्रतापगंज कौन सा प्रखंड है? प्रखंड महनाचांदपुर। महनाचांदपुर, बराड़ी प्रखंड है। क्या नाम है उसका? किसका? जो इस तरह का काम किया, क्या नाम है? छोटू। छोटू जी। और कोई नहीं है? कोई नहीं, छोटू है। क्या पुलिस गिरफ्तार की उसको? जी हाँ, जेल भेज दिया गया है। हाँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। आप कौन है उसके? किस पेशेंट का? हाँ, भतीजा लगेगा। अभी मेडिकल हो रहा है? जी, हो रहा है। कार्यालय के प्रधान के साथ बैठक की गई है, और उसी के अनुसार टाइमिंग दिया गया है और विधि व्यवस्था का भी समीक्षा किया गया है। कल आए थे करीब 6:15 बजे, 8 बजे चल गए थे, कोई नहीं कहा कल आइएगा 16 तारीख को। कौन सा मतलब पेशेंट क्या है? 376 का मामला है, रेप केस है। रेप केस है, कल लेके आए थे? जी, कल लेके आए थे, कल चल गए थे, फिर आज लेके आए सुबह 10 बजे। जी, तो अभी तक नहीं हुआ था, फिर अभी तुरंत सब शुरू किया है। कल से अभी हुआ है मेडिकल? अभी हुआ है। रेप का मामला है। क्या नाम है लड़की का? कारी खातून। कारी खातून। कहाँ घर है उसका? उसका घर है प्रतापगंज सेमापुर बरारी।
किस पे आरोप लगाई है? वो छोटू कुमार है, पिता जगदीश चौधरी, आजमपुर का। कहाँ का है रहने वाला? वो आजमपुर का, वो बरारिये का है, सेमापुर का। बरारिये का, सेमापुर में मोहना चंद पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ा गया, जेल गया। जेल चला गया? जेल चला गया। अभी लड़की का मेडिकल हो रहा है क्या? हो रहा है मेडिकल, यानी कि दो दिन के बाद मेडिकल हुआ लड़की का, है ना, 48 घंटे के बाद। क्या नाम? 24 घंटा हो गया। मेरा नाम अनिल पासवान हुआ, ऐसा ही। कौन से थाना से है? सेमापुर। सेमापुर सदर अस्पताल में है ना? हाँ, सदर अस्पताल में। COVID-19 vaccine is safe. Follow the prescribed process for vaccination. Register on Cowin system using a valid photo ID. Beneficiary will receive SMS messages on their registered mobile number. On the vaccination site, Vaccination Officer 1 will check registration and verify photo ID of the beneficiary. Vaccination Officer 2 will authenticate verify documents on Cowin. Vaccination Officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination Officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.